Hello students, so last time Coulomb's law in a scalar form I have completed, मैंने बताया था scalar form में. This time vector form, जैसे मैंने बोला था कि हम vector form भी देखेंगे क्योंकि most crucial है, important भी है, क्योंकि force जो है वो vector quantity है. That means आप कह सकते हैं सदिश राशि है, तो force find out करने के लिए आपको value और direction, मतलब magnitude और direction दोनों की जरूरत पड़ती है. तो Coulomb force जो charge particle के ऊपर लग रहे हैं तो उसके ऊपर मतलब वैल्यू फाइंड आउट करना और साथ में किस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा है वो भी हमें फाइंड आउट करना होता है. तो नो डाउट थियरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसकी, और इस थियरी को समझने के बाद हम इसके न्यूमेरिक्स जो है वो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. कूलम्ब फोर्स की फॉर्मूला यूज करके हम नेट फोर्स किसी भी चार्ज पार्टिकल पे कितना लग रहा है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द कूलम्ब लॉ इन अ वेक्टर फॉर्म. क्लियर है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा जो केस है, मैंने इसमें ऐसा केस लिया है कि दो चार्ज पार्टिकल्स है Q1 एंड Q2, और ये दोनों चार्ज पार्टिकल जो है सेम पोलारिटी के हैं. सेम पोलारिटी मतलब दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव भी आप ले सकते हैं या दोनों नेगेटिव नेगेटिव ले सकते हैं. इट मीन्स कि दोनों रिपल्सन फोर्स लगाएंगे. तो यू कैन सी दैट Q1 के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो है F12, जो इस डायरेक्शन में लग रहा है ड्यू टू Q2. कि Q2 की वजह से Q1 पे जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, उसको हम F12 बोलेंगे. और Q2 के ऊपर जो फोर्स लग रहा है Q1 की वजह से वो है F21, जो इस डायरेक्शन लगेगा. तो दोनों एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं. तो दोनों पॉजिटिव चार्ज है तब भी रिपल करेंगे, दोनों नेगेटिव चार्ज है तब भी रिपल करेंगे. तो हमने हमारे पर्टिकुलर जो है दो चार्जेस Q1 और Q2 कंसिडर किए हैं इन अ कोऑर्डिनेट सिस्टम. क्लियर? Q1 का पोजिशन वैक्टर है R1 और Q2 का पोजिशन वैक्टर है R2 विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट O. तो वही मैंने यहाँ पर मेंशन किया है कि हियर R1 एंड R2 आर द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2 रिस्पेक्टिवली. तो हमें वो मेंशन करना पड़ता है कि फिगर में हमारे पास क्या है. तो हमारे पास Q1 और Q2 दो पॉइंट चार्जेस हैं जिसका स्थान सदिश मतलब पोजीशन वेक्टर जो है R1 और R2 है. क्लियर है? उसके बाद अब आगे बढ़ते हुए मोस्ट इंपोर्टेंट, जैसे मैंने बोला कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी के लिए हमें डायरेक्शन प्रॉपरली सही सिलेक्ट करना पड़ता है. अगर डायरेक्शन में गलती होती है देन तुम्हारा आंसर वैल्यू शायद राइट आएगा लेकिन आपका पर्टिकुलर जो डायरेक्शन है वो गलत दिखाएगा. सो दैट वी हैव टू कंसिडर. तो हमने कंसिडर किया है ऐसा कि R21 जो यूनिट फैक्टर हम करेंगे, दैट R21 बी द यूनिट फैक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम Q1 टू Q2. मतलब R21 क्या है, R21 जो है यूनिट फैक्टर है किस तरफ पॉइंट करेगा, फ्रॉम Q1 टू Q2 इस तरफ. गेटिंग? और सेम वे R12 जो है वो भी एक यूनिट वेक्टर है जो पॉइंटिंग करेगा फ्रॉम Q2 टू Q1 इस तरफ. तो इसका मतलब R12 जो है इस तरफ पॉइंट कर रहा है, R21 जो है वो इस तरफ पॉइंट कर रहा है. तो ये डायरेक्शन दिखाएगा. क्लियर है? तो उसके बेसिस के हिसाब से सबसे पहले जो आपने यही सही कंसिडर किया है तो उसके हिसाब से आप फॉर्मूला में यूज अप कर सकते हैं. तो हमें वही सही कंसिडरेशन करना है कि हमारा पॉइंट वेक्टर जो है यूनिट वेक्टर वो किस डायरेक्शन में है. क्लियर है? तो यहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं हमारा कूलम्ब लॉ इन वेक्टर फॉर्म. क्लियर है? ये उसकी डिस्क्रिप्शन है फिगर के बारे में और हमारे पर्टिकुलर पूरे जो हमने कंसिडरेशन किया है कि पॉइंट वेक्टर किस तरफ होगा हमारा पोजीशन वेक्टर के हिसाब से. क्लियर है? तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू कूलम्ब लॉ, तो कूलम्ब लॉ जो है वो हम पहले ले रहे हैं Q1 चार्ज के ऊपर. तो मैं पहले फाइंड आउट करूंगा कि इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है इसके द्वारा Q2 की वजह से. क्लियर है? तो Q1 पॉइंट चार्ज के ऊपर Q2 पॉइंट चार्ज की वजह से कितना फोर्स लगेगा, दैट यू गोना सी. सो फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2 इज F12. तो जैसे मैंने बताया था कि ये F12 फोर्स Q1 पे जो लग रहा है फोर्स Q2 की वजह से ऑन दैट बेसिस. क्लियर है? तो कूलम्ब लॉ के हिसाब से वेक्टर फॉर्म में F12 फोर्स एक्टिंग ऑन 1/2. F12 लिखने का मतलब यही हुआ फोर्स ऑन 1/2. 1 के ऊपर लगेगा 2 के द्वारा. के Q1 Q2 प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस डिवाइड बाय R12 स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस बिटवीन देम. सो R12 जो है वो लिया है और ये वापस डायरेक्शन लिखा है मैंने कि R12 जो मेरा यूनिट फैक्टर है. क्लियर है? अब ये जो यूनिट फैक्टर है उसको हम पर्टिकुलरली मीन्स वैक्टर के हिसाब से भी ऐसे शो कर सकते हैं, हम रूप भी बना सकते हैं. तो मैंने यहाँ पे वापस वो रूप लिया है. जनरली टेक्स्ट बुक में सब जगह यहाँ पे रूप ही होगा, NCERT में डा बोल्ड हैंडराइटिंग से लिखा जाएगा ताकि पता चले. तो मैंने यहाँ पे रूप लिखा है R12 यूनिट वेक्टर रूप में. तो उसका मतलब हुआ R12 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ R12. ये 11th स्टैंडर्ड की बेसिक यूनिट वेक्टर फॉर्मूला है कि किसी का भी यूनिट वेक्टर हम ढूंढ रहे हैं
तो वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, क्लियर है? R12 वापस क्या होगा? R1 माइनस R2, क्लियर है? सिंपल है, R12 मतलब R1 माइनस R2, वापस इसका मैग्नीट्यूड वही है जिस R1 माइनस R2, क्लियर है? इसी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट अप करेंगे, तो K Q1 Q2 R12, उसको भी हम ऐसा लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड में द होल स्क्वायर, और वापस जो ये वैल्यू था यूनिट वेक्टर का यहाँ से वो यहाँ पुट अप किया, ये मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है, स्क्वायर एंड पावर वन विल बिकम पावर थ्री क्यूब। तो फाइनल मेरे पास फोर्स का फॉर्मूला आएगा, फोर्स ऑन वन बाई टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर वन माइनस आर टू मैग्नीट्यूड ऑफ क्यूब इंटू आर वन माइनस आर टू, ये पूरा मैग्नीट्यूड है, इतना पार्ट जो है ये वैल्यू देगा आपको, क्लियर है? ये आपको डिरेक्शन दिखाएगा इन द डिरेक्शन ऑफ एक्स वाई एंड कि किस डायरेक्शन में ये फोर्स काम कर रहा है, क्लियर है? तो यहाँ कैलकुलेशन के टाइम पे जब हमें पोजीशन वेक्टर चार्ज पार्टिकल के दिए जाए तो कैलकुलेशन में ध्यान से करना पड़ता है, x x के साथ कैलकुलेट होता है, y y के साथ कैलकुलेट होगा, और z z के साथ कैलकुलेट होगा। तो जो एक्सिस के कंपोनेंट्स हैं उस एक्सिस के कंपोनेंट का कैलकुलेशन यहाँ पे आपको ध्यान से देखना पड़ता है कि वो उसी एक्सिस के कंपोनेंट के साथ ही कैलकुलेट हो, क्लियर है? हम रिपल्सिव फोर्स के लिए फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं, क्लियर? लेकिन फॉर्मूला ऐसी होनी चाहिए जनरल कि फिर दो ऑपोजिट चार्ज भी अगर आते हैं तो भी ये फॉर्मूला काम करने चाहिए। तो फिलहाल पर्टिकुलर मैंने जो लिया है दोनों सेम चार्जेस है, प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस, बट अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तब भी ये फॉर्मूला काम करने चाहिए। तो वी विल सी एट द एंड, ओके है? तो ये हमने जो फाइंड आउट किया है वो है फोर्स ऑन वन बाय टू, सिंपली के क्यू वन क्यू टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, एंड देन आफ्टर पर्टिकुलर यूनिट वेक्टर की वैल्यूशन पुट अप करने के बाद आर वन माइनस आर टू द होल क्यूब इंटू ये डिरेक्शन है आर वन माइनस आर टू, क्लियर? ओके, सो अब ये मेरा हो गया फोर्स ऑन वन बाई टू। अब मुझे फाइंड आउट करना है फोर्स ऑन टू बाय वन, मतलब क्यू टू चार्ज के ऊपर फोर्स कितना लगेगा बाय क्यू वन चार्ज जो इस डिरेक्शन में है, ओके? तो हमने कंसिडर किया था आर टू वन बी द यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम क्यू वन टू क्यू टू, Q1 से Q2 की तरफ पॉइंट कर रहा है, ओके? सो सिमिलरली उसी तरह से कूलम फोर्स जो लगेगा Q2 चार्ज के ऊपर Q1 के द्वारा उसको हम लिखेंगे F21, Q2 चार्ज के ऊपर लग रहा है फोर्स, क्लियर है? Q1 के द्वारा, सो दैट इज द F21। सो F21, तो इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि आपको पहले से अंडरस्टैंडिंग ये है पोर्शन का कि भाई यूनिट वेक्टर क्या होता है। तो वापस मैंने यहाँ पे वही कंसिडर कर दिया है, यूनिट रूफ वेक्टर लगा दिया है, F21 equals to K Q1 Q2 upon R21 magnitude of square, और R21 unit vector जो direction दिखा रहा है, किस तरफ दिखा रहा है, in this direction, clear है R21। अब इसका हमें पता ही है, same way इस तरह हम find out कर सकते हैं इसको भी, तो इसी की ऐसी value आएगी जो आएगी R2 minus R1 divide by R2 minus R1 magnitude, clear है? तो वही मैंने रखा R2 minus R1 divide by magnitude of R2 minus R1, क्लियर है? अब स्क्वायर एंड इनटू पावर वन, तो वो हो जाएगा वापस क्यूब, अपर टर्म एज इट इज है के क्यू वन क्यू टू आर टू माइनस आर वन, क्लियर है? ये हमारा पोर्शन क्या दिखा रहा है, मैग्नीट्यूड, ये हमें क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन, क्लियर है? तो ये मैग्नीट्यूड दिखाएगा, ये डायरेक्शन दिखाएगा। अब ये दोनों कंप्लीट किए हमने एफ टू वन एफ वन टू, ओके? अब इसको हम थोड़ा चेंज कर रहे हैं, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें से माइनस कॉमन निकाल रहा हूँ, डायरेक्शन रिवर्स कर रहा हूँ, क्लियर है? तो माइनस कॉमन निकालूंगा तो वो माइनस यहाँ पे आएगा, सी दैट? तो R2 जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, R1 जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब मेरा हो गया है R1 माइनस R2, यहाँ पे भी हम चेंज कर रहे हैं, इवन तो मैग्नीट्यूड के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैग्नीट्यूड में 3 माइनस 2 1, 2 माइनस 3 1, तो मैग्नीट्यूड को प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी हम जैसे यहाँ चेंज किया वैसे यहाँ पे भी हमने चेंज किया है, तो माइनस कॉमन होकर बाहर आ गया है, ओके? तो अब मेरा F21 कैसा हो गया है, F21 इज इक्वल टू माइनस के Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 द होल क्यूब, फॉरगेट दैट होल क्यूब, ओके? द होल क्यूब R1 माइनस R2, ओके? ये डायरेक्शन दिखा रहा है, लेकिन अब इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे के Q1 Q2 upon R1 minus R2 the whole cube, R1 minus R2 direction
तो आपको यहाँ जैसा दिखेगा के क्यू वन क्यू टू आर वन माइनस आर टू द होल क्यूब आर वन माइनस आर टू जो क्या है एफ वन टू है, एफ वन टू लिखा माइनस ऑपोजिट डिरेक्शन। तो ये सिंपली यही बता रहा है कि जिस डिरेक्शन में फोर्स ऑन वन बाई टू लग रहा है उसके ऑपोजिट डिरेक्शन में फोर्स ऑन टू बाई वन लग रहा है, जो फिगर में दिख रहा है कि जो फोर्स पर्टिकुलर ऑन वन बाई टू लग रहा था इस तरफ तो वही फोर्स उतना ही लगेगा सेम टू सेम वैल्यू का लेकिन ऑपोजिट डिरेक्शन। तो ये वापस हमें क्या बताता है, न्यूटन थर्ड लॉ। क्लियर, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमें ये बताता है एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन अ डायरेक्शन। तो ये दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगाएंगे, बराबर है, ऑपोजिट डिरेक्शन है, ऑपोजिट डिरेक्शन लगाएंगे तो विच एग्रीज विद द न्यूटन थर्ड लॉ। ओके है, तो फिलहाल जो मैंने बोला था कि मेरा एग्जाम्पल जो है वो दोनों सेम चार्जेस के लिए है, पॉजिटिव पॉजिटिव लो आप या नेगेटिव नेगेटिव लो। सर अगर दोनों माइनस माइनस चार्ज होते तो दोनों का माइनस माइनस वापस प्लस हो जाता तो फॉर्मूला में कोई चेंजेस नहीं आएगा, नॉट टू वरी। क्लियर, प्लस प्लस है तो भी प्रॉब्लम नहीं है और दोनों माइनस माइनस है तब भी प्रॉब्लम नहीं है, दोनों सेम सही परफेक्ट डिरेक्शन दिखाएंगे। अब ऑब्वियस है कि अगर एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, इधर क्यू वन प्लस है क्यू टू माइनस है या फिर पर्टिकुलर क्यू टू पॉजिटिव है और क्यू वन नेगेटिव है, तो ऑब्वियस ये जो डिरेक्शन चल रही थी अभी उसको वो रिवर्स कर देगा, उल्टा कर देगा। दैट मीन्स कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होंगे तो Q1 जो है पर्टिकुलर इसको आप यू पुश नहीं करेगा, इस तरफ अपनी तरफ पुल करेगा, इट विल टेक इन दिस डायरेक्शन। Q2 जो है जो पुश कर रहा था पहले अब वो पर्टिकुलर इस तरफ उसको खींचेगा। क्लियर, सो दिस फोर्स विल एक्ट अट्रैक्टिव कि Q1 Q2 एक दूसरे को सेम मैग्नीट्यूड से अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर है, लाइक दैट पे जो पुशिंग का था पहले। क्लियर है, तो ये फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला है, दैट मीन्स आपका डायरेक्शन ऑटोमेटिकली बता देगा कि किस डायरेक्शन में ये फोर्स लग रहा है, तो फोर्स अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है दोनों आइडिया आ सकते हैं। क्लियर है, सो उसमें क्या फर्क पड़ेगा सर, तो जैसे मैंने बताया यहाँ पे कि जो हमने यहाँ पे ये किया था ये इसको रिवर्स कर देगा, तो यहाँ पे पर्टिकुलर आपके फॉर्मूला में चेंजेस क्या आ जाएगा, आर वन माइनस आर टू की जगह इसके लिए आर टू माइनस आर वन हो जाएगा, और यहाँ पे जो आर टू माइनस आर वन है उसमें क्या चेंज हो जाएगा, आर वन माइनस आर टू हो जाएगा। सो दैट मीन्स गिव द करेक्ट डायरेक्शन, सो दिस इज द कूलम्ब फ्लो इन अ वेक्टर फॉर्म। क्लियर, इस फॉर्मूला को अंडरस्टैंडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमको न्यूमेरिक्स में जो फोर्सेस फाइंड आउट करने होते हैं, क्लियर, और डायरेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे पास आगे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, बराबर, तो डायरेक्शन मोस्ट क्रूशियल है क्योंकि करेक्ट डायरेक्शन के बिना पर्टिकुलर खाली वैल्यू काम की नहीं है। ओके, सो दिस इज द कूलम्ब फ्लो इन वेक्टर फॉर्म। If you still have any query, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है, कोई इक्वेशन समझ में नहीं आया है या कोई स्टेप में आपको प्रॉब्लम हो चुका है कि मतलब सर ये स्टेप कैसे हुआ, I didn't got it, मुझे पता नहीं चला, so still you can particular question, आप मेरे को पास ऑन कर सकते हैं और एनी टॉपिक में अभी भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे को पूछ सकते हैं। थैंक यू।